हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। हम आर्टिकल्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। ये आर्टिकल्स की पार्ट टू की वीडियो है। इसमें हम एग्जांपल्स के देखेंगे कि आर्टिकल्स का कहाँ यूज़ है, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल से इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बुक You want is out of print। ठीक है, बुक से पहले अब आर्टिकल लगाना है। यहाँ पे क्या हम ए लगा सकते हैं? ए बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट? नहीं, ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। अच्छा, हमें अपने आप से भी लग जाता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके लिए भी आपके जो बेसिक्स होने चाहिए वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लगाया जाए? इससे पहले यूज़ होगा द। यहाँ पे द यूज़ होगा। क्यों द यूज़ होगा? द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। जिस बुक को तुम जिस बुक को चाहते हो, ठीक है, वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पे बुक को स्पेसिफाई किया गया है। जहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। अब कायदे से तो एच देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एन लगा लेना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे एन तो लग सकता है, ए लगाना चाहिए, है ना? अगर हम जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट अगर हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे ए लगना चाहिए। लेकिन हमें देखनी है साउंड, हमें सिर्फ लेटर ही नहीं देखना, हमें साउंड भी देखनी है। तो साउंड क्या आ रही है? ऑनरेबल, ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ऑनरेबल से पहले हम हमेशा एन लगाएंगे। ठीक है, एन ऑनरेबल मैन, ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, डार्केस्ट क्लाउड, अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी सुपरलेटिव्स के बारे में। जब हम किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप में हम बेस्ट चूज़ करके हम बताते हैं लार्जेस्ट, डार्केस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो उनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो डार्केस्ट यानी कि ग्रुप ऑफ क्लाउड है, उनमें से जो डार्केस्ट क्लाउड था उसमें जो है वो सिल्वर लाइनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? द। ठीक है, तो ही कैन प्ले द फ्लूट, यहाँ पे द आएगा। डैश रामायण इज़ एन इंडियन एपिक। कोई ऐसी बुक होती है जिसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या आएगा? द। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। ठीक है, यूरोपियन ने मेरे ऑफिस में कल कॉल किया था। तो यू ई देखते हुए हमें एन लगा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रही है यू की। कौन से वाले यू की? ये वाले यू की। और ये वाला यू क्या है? यानी कि वाई कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, हमें वॉवल्स की हमेशा साउंड देखनी होती कि साउंड है तो साउंड क्या कह रही है। ठीक है, साउंड वॉवल की है, कॉन्सोनेंट की है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। हु इज़ डैश गर्ल सिटिंग देयर। गर्ल को यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा है, इसलिए द आएगा। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ डैश हैप्पी प्लेस। यहाँ पे सिंपल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। एच हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले, और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। सिंपल। नेक्स्ट, अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प। यहाँ पे वंडरफुल के लिए देखना है, वंडरफुल क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवल है? तो वंडरफुल हमारा व कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगेगा ए। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। नेक्स्ट देखते हैं, डैश गंगा इज़ डैश सेक्रेट रिवर। सेक्रेट क्या होता है? होली। ठीक है, पूजनीय रिवर है हमारी गंगा। तो
गंगा रिवर हो गई अगेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, कि द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, एक ही तो है भाई गंगा, तो अ सेक्रेट रिवर, और एस पी यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई भी कमेंट्स हैं तो, या कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइज फॉर मोर सच वीडियोज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन योर फीडबैक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, कीप लर्निंग, थैंक यू।